आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे? पूरा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 33, P, ठीक है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और यहाँ पर देखो ये 33, P का मतलब क्या है? ये एन कोमा पी होता है अपना यहाँ पर, तो एन की वैल्यू को बता रहे 33 हमारे पास ये, सच दैट 3 × P(x=0) = P(x=1। सो 3 × P(x=0) = P(x=1 के हमको फाइंड करना है P(x=15) / P(x=18) −P(x=16) / P(x=17, ये फाइंड करना है हमें। देखो सबसे पहले हमारे पास ये क्यों इक्वेशन 3 × P(x=0) = P(x=1, और मुझे पता है अपना फॉर्मूला P(x=R) का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCR P(R) Q(N-R). यहाँ पर P होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q होता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर 3 को एसडी रख देंगे अपना और ये कितना हो जाएगा, ये NC0, ठीक है, क्योंकि x r के लिए यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आ जाएगा अपना ये P(0) Q(N), ठीक है, Q(N) इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाएगा NC1 P(1) Q(N-1) हो जाएगा अपने पास यहाँ से ये, ठीक है। सो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, सो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब NC0 तो 1 हो जाएगा, P(0) भी 1 हो गया, इधर Q(N) बचा, NC1 भरा n हो जाएगा, इधर P बचा, Q(N) को लिख दूंगा Q(N)/Q, ठीक है, Q(N-1) था, Q(N)/Q लिख दिया इसको मैंने, Q(N) से Q(N) कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। और n की वैल्यू हमको पता है, n कितना है 33 है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो इधर 3, इधर से 3 बचा, इधर कितना है 33 P/Q है अपने पास ये। तो देखो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किस पे 11 पे जाएगा ये, सो Q = 11 P आ रहा है। इक्वेशन कितनी आ रही है अपने पास, Q = 11 P आ रहा है। अब देखो हमको पता है कि जो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है इनका सम कितना होता है, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम मिला के 1 के इक्वल होता है, और Q की वैल्यू 11 P, तो ये P प्लस ये हो जाएगा 11 P = 1, तो यहाँ से P की वैल्यू आ रही है 1/12 अपने पास, P की वैल्यू 1/12 आ रही है, सो Q की वैल्यू हो जाएगी 11/12, ठीक है, क्योंकि वो 11 P था, तो P और Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, P और Q आ गया। अब ये एक्सप्रेशन देखो Px = 15, ये कितना हो जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख लूंगा क्योंकि x = 15 और n की वैल्यू 33 है मेरे पास यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा देखो 33 C 15 P(15) इंटू में Q(18) अपॉन, और इधर कितना है x = 18 है ना, तो ये हो जाएगा 33 C 18 P(18) Q(15) में यहाँ से हो जाएगा 15, बीच में आएगा नेगेटिव कोसाइन 33 C, ये 16 है इधर ये, तो 33 C 16 P(16) Q(17) एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमेटर में क्या है ये x = 17 है ये, तो ये रहेगा 33 C 17 P(17) Q(16) हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो देखो अपने पास जो वैल्यूज बचेंगे ना, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगी अपनी, एंड ये इसको कैंसिल आउट कर देगा अपना, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद अपना। यहाँ पर अपना फॉर्मूला एक्स लगाएंगे अपना NCR का n·r·n − r·, अपना यहाँ से, तो ये जब एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे, क्योंकि देखो यहाँ 15 उल्टा है और 18 उल्टा है, ये अपनी और 33 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे n − r से n − r वाला, इधर ऐसे ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने। तो इधर कितना बचेगा, इधर ये बचेगा देखो, यहाँ पर बचेगा Q(Q/P)³ बचेगा इधर से माइनस, क्योंकि देखो इधर P(3) नीचे बचा, इधर Q(3) ऊपर बचेगा, इधर देखो इधर एक Q बचेगा एंड इधर ही P बचेगा अपने पास डिनोमीटर में, Q/P और Q/P हो जाएगा अपने पास ये। अब हमको पता है Q/P की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से Q/P कितना है 11 आ रहा है, Q/P हो जाएगा 11, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू 11³ - 11, सो आंसर आ रहा है 1320। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया फाइनल 1320 हो जाएगा अपना, तो ठीक है, हम जो पूछा गया था सच दैट जिसका आंसर पूछा गया था वो आ गया 1320। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।